भी हैं, आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। मैं शादाब चौहान आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है शिक्षा ज्यादा जरूरी है या आपकी राय में हिजाब ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ईरान में जो हो रहा है वो हमारे सामने है, वो तो लड़कियों की आजादी के ऊपर है। लगता है शादाब तक आवाज नहीं जा रही। शादाब, आप तक मेरी लगता है आवाज नहीं आ पा रही इस विषय को लेकर, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुभाष्रा जी, आमिश जी, शायद टेक्निकल उसकी वजह से मैं बहुत लेट से जुड़ पाई हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं डिस्कशन फॉलो कर रही थी। मुझे लगता है एक चीज बहुत स्पष्टता से हम लोगों को समझनी चाहिए, वो भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ये जो घटना हुई वेस्ट बंगाल में, उस पे चर्चा कम हुई है, हिजाब पे चर्चा ज्यादा हुई। एक सवाल मैं आपसे पूछा जाता हूं, आप अपने आप को लिबरल मानती हैं या आप उस श्रेणी में नहीं आती हैं? माफ करिए सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन ये सवाल है, आप लिबरल हैं या उस श्रेणी में आप नहीं आती हैं? नहीं नहीं, आप जो लिबरल की डेफिनेशन हमारे भारतीय बौद्धिक सर्कल में हो गई है, उस हिसाब से मैं घोर कंजर्वेटिव हूं। लेकिन आप, अगर आप लिबरलिज्म की ठीक है, आप कंजर्वेटिव है, फिर इसका मतलब है कि आपको भी लगता होगा कि हिजाब तो औरत का अधिकार है, हिजाब के बिना औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, आप तो कंजर्वेटिव है। व्हाट यू थिंक? मैं कंजर्वेटिव हूं लेकिन मैं इस चीज का पुरजोर समर्थन करती हूं कि आप लड़कियों को, महिलाओं को इतना शिक्षित कर दीजिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने, इसका निर्णय वो स्वयं ले सकें। आप छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब डाल करके अगर कहेंगे कि ये लिबरल वैल्यू है तो ये गलत है। मैं ये घूंघट के बारे में भी कहूंगी, हिजाब के बारे में भी कहूंगी, वो चाहे हिंदू बच्चियां हों या मुसलमान बच्चियां हों, आप उनको 12 13 साल की उम्र से हिजाब डालना मत सिखाइए। आप उनको पहले शिक्षित कर दीजिए और बता दीजिए कि हिजाब पहनने के ये फायदे, और उनको नुकसान भी देखने दीजिए ना, उनको देश दुनिया के मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ने दीजिए। उसके बाद जब वो बालिग हो जाए और फिर भी कहें कि मुझे हिजाब पहनना है, तो हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं है। शादाब चौहान, ईरान में जो हो रहा है वो आपकी जानकारी में तो होगा, मुझे पता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जवाब तो यही आएगा आपका, नहीं ईरान वाले मामले में आपको फंसा दिया थोड़ा आप मुझे। अरे वाह वाह अमीश भाई, सुना है कि आप अब ज्योतिषी बन गए, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आप भविष्य बताएंगे कि शादाब क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वाह वाह, शुभकामनाएं आपको नए आपके फ्लेवर के लिए, नए फ्लेवर के। चलिए अब आप बात शुरू। अच्छा लगा कि आपको ज्योतिषाचार्य में यकीन है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। बोलिए। नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि अगर जब आपके पास एक दूसरा विकल्प भी तैयार हो गया, यानी कि मेरे पास जो बड़े सारे विकल्प, दूसरी तरफ से भी परेशान आ गया। शादाब, टॉपिक पे बात कीजिए ना। अरे आंटी चुप रहिए आप, मैं बात कर रहा हूं, मेरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। शादाब, आप आंटी बोल करके क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही बात करते क्या? मुझे आंटी नहीं, मुझे आंटी सुनने में कोई, आपको बता दूं, आपने बड़े डिराइसिव ये शब्द यूज किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बात है क्या? मैं आज के डेट में मैं मानी गलत बात है क्या? आज के डेट में मैं किसी की बुआ हूँ, मैं बड़े फक्र से क्या गलत बात है क्या? क्या बीच में बकवास कर रही है? मुझे मौलाना मत समझना, सुनो, बदतमीजी मत करो, मुझे मौलाना मत समझना तुम। आप शराब बदतमीजी मत कर, खामोश चुप है, चिढ़ क्यों रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आंटी शब्द का प्रयोग कर देंगे महिलाएं? चुप होकर के आपको, आपसे कहेंगे कि अरे अरे मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे आंटी मत बोलो। शराब, आप कोई 12वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? आपको है नहीं ना, तो आपको तमीज है ना, आपको शऊर है। डिबेट में मेरा तो निवेदन है, वापस आ जाइए। शादाब चौहान यह नहीं करता, शादाब चौहान की ऐसी हैसियत नहीं है। आपके शब्द शब्द से आपकी हैसियत समझ में आती है, ठीक है। एक हिजाब पर बोलने का मुंह से बकार नहीं निकल रहा, लेकिन किसी महिला को आंटी बोल के निकल जाओ, क्या तरीका है? कौन सी पार्टी? 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो आपको दूसरा सामने वाला आंटी नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। बेशक आपकी चॉइस है, आपने डिबेट को छोड़ा है, लेकिन हमारा तो निवेदन है, वापस ही आइए, अपनी बात को रखिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपका वक्त होता है। शायदा फलक जी, शायदा फलक जी जी
ये जो सुभास्त्रा अभी बोल रहे थे कि भाई बच्चियों को फोर्स कर रहे, कौन फोर्स कर रहा है, कौन फोर्स कर रहा है छोटे लड़कियों को हिजाब पहनो? अगर अच्छा दिखता तो पहन लेते होंगे, हिजाब पहन के उनको अच्छा लगता होगा, वो अच्छे दिखते होंगे इसलिए पहनते होंगे, फोर्स कौन कर रहा है छोटे छोटे बच्चियों को? और आप बार बार रमेश जी, आप बार बार ईरान 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 क्यों? आपको इतनी दिलचस्पी है ईरान से, आप अपने देशवासियों की फिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप अपने देश के मुस्लिम लड़कियों की फिक्र आपको क्यों नहीं है भाई? अगर वहां पे गलत हो रहा है हिजाब फोर्स करके, तो यहाँ पे भी तो गलत कर रहे हैं फोर्स करके के निकाल दो भाई। पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, नहीं पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, दोनों चीजें गलत है ना? आप उस पर क्यों नहीं बोलते जो फोर्स किया जा रहा है, जो बैन लगाया जा रहा है, क्यों नहीं पहने भाई? राइट है पहनना, चॉइस है, आप पहनो मत पहनो। आप लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं बोलूं जी, अपने देशवासियों की फिक्र कर लो ना। ठीक है, ओके सुभाष्ट्रा। नहीं नहीं, अपने देशवासियों की फिक्र है शायदा जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात। आप फिर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। ना मैं हिजाब का समर्थन कर रही हूँ, ना विरोध कर रही हूँ। मैं सीधी सी बात कह रही हूँ, आप लड़कियों को इतना शिक्षित बना दीजिए कि बालिग होने तक वो निर्णय लेने की क्षमता हो उनमें कि हिजाब पहनना सही है या नहीं। यहाँ पे हिजाब का प्रतीक आप घूंघट से भी ले सकती हैं, आप चेंज कर दीजिए ना, इंटरचेंज कर दीजिए। आज मैं अपनी चॉइस से जीन्स पहनू, टी शर्ट पहनू, साड़ी पहनू, सूट पहनू, लेकिन अगर सुन लीजिए, अभी मैंने बीच में नहीं बोला था, शायद जी मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मैडम, पूरी बात तो सुन लीजिए जी। आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसकी जानकारी तो है आपको कि कुछ लड़कियां हिजाब पहन के गई, उसके विरोध में कुछ लड़के रामनामी पहन करके गए, उसको लेकर के इतना बवाल हुआ। तो जब आप चॉइस की बात करती हैं तो फिर तो लड़कों के पास भी चॉइस होनी चाहिए रामनामी पहनने की। अगर आप इतना व्यापक कर देंगी चॉइस का दायरा स्कूली एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में, अगर यूनिफॉर्म को धता बताते हुए लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ओढ़ करके जाएंगे, तो फिर तो यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है ना शायदा जी। मैं इसी देश की बात करूं, मैं ईरान से कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, ईरान की बात जब मैं करती हूं सिर्फ इतना कहती हूं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मुसलमान बच्चियों को भी अपने अधिकारों के बारे में चिंतन करने का एक माहौल मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ओके सायदा फलक। सुभास्त्रा जी, बंगाल में जो हुआ, जो बंगाल में हुआ, हिजाब पहन रहे लड़कियां उससे तकलीफ है बच्चों को, इसलिए प्रोटेस्ट में भगवा स्कार्फ पहन कर आए, मतलब कंपैरिजन कैसा हो सकता है? आप हिजाब को भगवा स्कार्फ से कैसा कंपेयर कर सकते हैं? इसका कंपैरिजन कैसा है? क्या भगवा स्कार्फ हिंदू रिलीजन में पहनना कंपलसरी है? हिजाब तो पहनना कंपलसरी है, इतने सालों से तो लड़कियां हिजाब पहन रही है, भगवा स्कार्फ पहन के तो स्कूल नहीं जा सकते ना, कंपैरिजन कैसा कर सकते हो आप? जी जी, अच्छा भगवान जी की तारीख फतेह, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तारीख फतेह का रिएक्शन लेना पड़ेगा। तारीख फतेह, हिजाब को हिजाब क्या इस्लाम में कंपलसरी है? क्योंकि बार बार इसमें कंपल्शन की बात आ रही है। ईरान के परिपेक्ष में अगर ईरान तो इस्लामिक देश है, अगर वहां कंपल्सरी है तो वहां की औरतें तो विरोध कर रही है, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आम नागरिक